और आज क्योंकि भाई एक मेजर बॉर्डर क्रॉसिंग होने वाली है, इसलिए अपनी जो नमस्ते लंदन वाली प्रिंटेड टी शर्ट थी वो मैंने पहन ली है। एंड ऊपर देखो भैया, यूके का झंडा फाइनली दिख गया है। ये देख लो भाई, लेफ्ट में जो आप ये देख रहे हो ना, अजीब सा ग्रे कलर के डब्बे से है, यही एक्चुअल में ट्रेन है जिसमें गाड़ियां लोड होती है। ये मेरी तो भाई साहब की बॉर्डर पे खड़े है जस्ट, और पासपोर्ट गायब हो गया। यहाँ से शुरू किया था दिल्ली से हमने, और ये पूरा मैप कवर करते हुए भाई फाइनली हम यूके पहुंच चुके हैं। चलो जी चलो, एंट्री हो रही है हमारी, बल्ले बल्ले बल्ले, लेट्स गो। होए 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 भाई साहब, समुद्र के अंदर एक टनल बनी हुई है जिसके अंदर ये ट्रेन चल रही है, और उस ट्रेन के अंदर हमारी गाड़ी और हम बैठे हुए, बताओ, पानी के अंदर जा रहे हैं। और ये देखो भाई, गूगल मैप के अकॉर्डिंग हम यहाँ से चले थे ना, तो अभी यहाँ कहीं पे है हम। ये पूरा का पूरा इंग्लिश चैनल है। ये क्या भाई साहब, समुद्र के अंदर कैसे सिग्नल आ रहे है, यही नहीं समझ आ रहा। सिग्नल तो जोड़ो, नेट चल रहा है भाई। भाई साहब स्पीड भी अच्छी खासी आ रही है, बताओ, 30 Mbps। चलो जी भाई चलो, वेलकम है आपका यूके की जमीन पे। चलो जी, गाड़ी में लगेज वगैरह जो है वो सब कुछ सेट कर दिया है। आज की जो हमारी जर्नी है, हम निकल रहे हैं फाइनली फ्रांस की कैपिटल पेरिस से लेकर, मतलब यहीं पे ही कैलिस पोर्ट है फ्रांस में, फिर यहाँ से हम लेंगे अंडर वाटर टनल और पहुंचेंगे लंदन यूके, यानी कि अपनी इस पूरी ट्रिप की मेन डेस्टिनेशन पे। तो अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट है भाई, ट्रेन की भी जो अंडर वाटर चलने वाली है, पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा। टिकट विकेट तो मैंने बताई दी थी, बुकिंग हो चुकी है ऑलरेडी। वहाँ पे कैसा रहता है, कितनी देर लगती है, क्या सब प्रोसीजर है, वो सब आज के ब्लॉग में रहेगा। बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज 10 अगस्त 2023, मैं हूँ अभी फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड, स्पॉन्सर्ड बाय वाउस्किन साइंस। इस ट्रिप पे हम निकले हुए हैं भाई दिल्ली से लंदन तक, वो भी अपनी स्कॉर्पियो एन से बाय रोड 110 दिनों के लिए, जिसमें हम भाई 25 से ज्यादा कंट्रीज ट्रेवल करेंगे एंड 25,000 किलोमीटर गाड़ी चला के पहुंचेंगे लंदन यूके में। मतलब अब पहुंचने वाली बात तो क्या ही है भाई, आज फाइनली पहुंच जाएंगे मजे से। फटाफट भाई खींचते हैं मस्त एकदम। यहां से 300 something है कैलिस जो है, अराउंड 3.5 घंटे दिखा रहा है गूगल मैप, तो रुकते रुकाते 4-4.5 घंटे लगेंगे। और हमारी शटल जो है वो 6:50 की है शाम की, शटल मतलब वो ट्रेन जो भी है। तो टिकट में लिखा हुआ है कि 1 घंटे पहले पहुंचना है वहां पे। अब 1 घंटे पहले पहुंच के फिर थोड़ा बहुत शूट भी करेंगे, मुझे रिफंड भी लेना है वैट का, तो वो करते करते भाई 4 बजे पहुंच जाए किसी तरह से। बस 12 बजे निकल रहे हैं हम यहाँ से। तो जो ओनर है भाई, आई गेस उनकी दुकान है यहाँ पे, जिन जहाँ पे चाबी देकर आनी है, ये वाली देखो, एलिसा सुपर हीट। हो सकता है उनकी भी ना हो, उन्होंने इनको कह रखा हो कि पिक और ड्रॉप करने के लिए जब भी कोई गेस्ट आता है चाबी। बाकी भाई गाड़ी की एवरेज देख लो, 707 की, मतलब रेंज कह रहा हूँ, एवरेज नहीं, 707 किलोमीटर चल जाएगी, तो 300 किलोमीटर का ही सफर है। मजे से फ्यूल के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, इसलिए होटल के वहीं से डलवा ली ताकि कोई दिक्कत ही ना आए। अब सीधा तड़म पैड़ भाई खींचनी है एकदम, क्योंकि आज भाई प्रॉपर ना बॉर्डर आने वाला है। मतलब हम पिछले 1 महीने से जो है वो शेंगेन एरिया में घूम रहे थे 29 दिन से, तो कोई बॉर्डर आता नहीं था, ना कोई चेकिंग होती थी। और जो उससे पहले के भी यूरोप के बॉर्डर थे ना, जो उधर वाली कंट्रीज थी नॉन शेंगेन, उनमें भी कुछ खास चेकिंग होती नहीं थी। बट आज भाई एक्चुअल में एक बड़ा बॉर्डर क्रॉस करना है हमें, मतलब फ्रांस से लेके यूके तक का, तो इसलिए सब कुछ होगा, प्रोसीजर A to Z, पासपोर्ट भी चेक होगा, वीजा भी अच्छे से देखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट भाई कार्नेट पे स्टैंप लगेगा आज इतने टाइम बाद। मतलब कार्नेट तो निकालने का मौका ही नहीं मिला था कब से, आज जाके फाइनली निकलेगा और उस पर स्टैंप भी होगा। पता नहीं स्टैंप लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, बट हमें लगवाना है भाई, तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, वहां जाके उनसे कहना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, और होपफुली फिर वो स्टैंप लगा ही देंगे कार्नेट पे एग्जिट की, होगी एंट्री की लगी थी हमारी ग्रीस पे, उसके बाद से कोई स्टैंप नहीं लगी, यूरोप में घूम रहे थे। अब जाके जो है यूरोप एग्जिट करेंगे तो एग्जिट की भी स्टैंप हमें चाहिए, और फिर यूके जब एंटर करेंगे तो यूके की एंट्री की भी स्टैंप कार्नेट में चाहिए, तो दो स्टैंप आज लगेगी, तो इसलिए थोड़ा हेक्टिक होने वाली है चीजें। अगर उन्होंने खुद से नहीं लगाया तो हमें ही मेहनत करवा जबरदस्ती फिर करवाना पड़ेगा। और दूसरा फिर जो टर्मिनल है वहां से वैट रिफंड लेना है, जो ड्रोन लिया था उसका 150 यूरो का, लगभग 15,000 रुपए, तो वो तो वैसे टाइम लगता नहीं है क्योंकि रिसिप्ट ऑलरेडी उन्होंने बना दी DGI वालों ने, वहां पे मुझे जाके दिखानी है। एक ब्लू करके कंपनी है कोई जो मैनेज करती है पूरा रिफंड, तो सिंपल वो पर्ची देखेंगे और मुझे कैश जो है वो दे देंगे 150 यूरो, तो सही रहेगा। देखो फ्रांस से यूके जाने के ना हमारे पास 2 ऑप्शन थे, अगर हम अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं। वैसे तो 3 ऑप्शन है, फ्लाइट भी आप ले सकते हो बट उसमें गाड़ी नहीं जाएगी। तो उन 2 ऑप्शन में से एक तो है भाई फेरी का, जो कि चलती है फ्रांस के कैलिस पोर्ट से लेके यूके के डोवर पोर्ट तक। फेरी की टिकट जो है वो अराउंड आपको भाई 8 से 10,000 12,000, डिपेंड करता है आप कब बुक कर रहे हो, उस हिसाब से मिल जाती है, और 1.5 घंटा लगाती है, प्लस में थोड़ा पहले 1 घंटा लगा लो और 1 घंटा बाद का लगा लो, चेक इन चेकआउट जो भी सब सीन रहता है, तो वही टोटल जर्नी जो है 3.5 से 4 घंटे की रहेगी सब कुछ मिला के। दूसरा ऑप्शन आता है
है भाई, एक अंडर वाटर टनल बनी हुई है जो की कैलिस पोर्ट से लेके यूके में एक जगह है फोक्सटन तक। और ये अंडरग्राउंड टनल आप कह सकते हो भाई कंस्ट्रक्शन का ना एक मतलब अजूबा सा ही है, क्योंकि भाई समुद्र के अंदर एक टनल बनाना बहुत बड़ी बात है। और उस पूरे पार्ट का नाम है इंग्लिश चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई, अगर आप बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहते हो तो अभी के अभी हनीगेन का यूज करना शुरू करो। हनीगेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके डिवाइस के बैकग्राउंड में रन होता है एंड उसके बदले आपको पैसे कमा के देता है। हाँ, मतलब इतने भी पैसे नहीं कमा देगा कि हमारी तरह स्कॉर्पियन लेके भाई दिल्ली लंदन ट्रिप कर लोगे, बट इतने कमा देगा कि मंथली मोबाइल रिचार्ज या नेटफ्लिक्स की आप सब्सक्रिप्शन के पैसे भर सकते हो। एक्चुअल में हनीगेन आपके इंटरनेट कनेक्शन को यूज करता है एंड उसके बदले आपको पैसे देता है। अब आप सोचोगे भाई इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहा है, कहीं हमारा प्राइवेट डेटा तो नहीं चला जाएगा, तो डरने की भाई बिल्कुल बात नहीं है, ये ऐप बिल्कुल सेफ है। इसके अलावा अगर आप और पैसे कमाना चाहते हो ना तो इनका एक रेफर एंड अर्न का भी सिस्टम है। इसमें ना आपको हनीगेन को अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली को रेकमेंड करना है और वो लोग अगर आपके लिंक से हनीगेन को यूज करते हैं तो उनकी लाइफ टाइम अर्निंग का 10% आपको भी मिलता रहेगा। तो इसलिए भैया देर बिल्कुल भी मत करो, अभी के अभी यूज करना शुरू करो। एंड साथ ही साथ में मेरा कूपन कोड बैकपैकर जरूर यूज कर लेना, क्योंकि ये यूज करने पे आपको $5 का फ्री फंड में साइन अप बोनस मिल जाएगा। मतलब और क्या ही चाहिए भाई, एकदम मस्त स्कीम है ना। तो एक्चुअल में काफी साल पहले, काफी क्या मतलब बहुत ही हजार साल पहले, यूके और यूरोप जो है ना वो साथ में ही जुड़े हुए थे, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया भाई दोनों जो है ना वो थोड़ा अलग अलग हो गए थे। तो ये जो 35 से 40 माइल्स या किलोमीटर जितने भी है उसका जो डिस्टेंस है ना वो टनल कवर करती है अंडर वाटर, और उस टनल के अंदर भाई ट्रेन भी चलती है। तो आप बिना गाड़ी के जाना चाहो या गाड़ी के साथ जाना चाहो, आप ट्रेन में जो है वो क्रॉस कर सकते हो। मतलब कितनी भाई सोचने वाली बात है ना, अलग सी, कि ऐसे समुद्र के अंदर टनल बना दी और समुद्र के अंदर ट्रेन चल रही है। थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है बट एक्चुअल में भाई है ऐसा, क्योंकि इस ट्रिप से पहले तक ना हमें भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है, बट फिर पता चला तो मैंने कहा ट्राई तो यही करना है भैया, फेरी तो हम दुनिया में बहुत जगह पे ले सकते हैं लेकिन ऐसा अजूबा कहीं देखने को नहीं मिलेगा, तो टनल में ही गाड़ी को लोड करके जाएंगे। और जर्नी भी जो है ना इसकी टनल की भाई वो फेरी से कम है, क्योंकि टोटल जो टनल है वो सिर्फ 35 मिनट की है। एग्जैक्ट 35 मिनट में आपको ट्रेन जो है ना वो फ्रांस से यूके तक पहुंचा देगी, बट उससे पहले 1 घंटा और उसके बाद 1 घंटा लगा लो तो वही मतलब 2.5-3 घंटे टोटल लगेंगे, बट फिर भी फेरी से आपका 1.5 घंटा बच जाएगा। प्लस फेरी में ना नुकसान ये है कि कभी मौसम खराब हो जाए तो फेरी सर्विसेज ना बंद भी हो जाती है, जैसे समुद्र में ज्यादा वेव्स वगैरह आ रही है, बट जो टनल है वो भाई 24/7 चलेगी, मतलब चाहे तूफान आए चाहे आंधी आए, क्योंकि वो टनल के अंदर ट्रेन चल रही है, उसे पानी से कोई मतलब नहीं है। आज की जर्नी का भाई पहला टोल टैक्स भरने जा रहे हैं हम, उस दिन भी बहुत टोल टैक्स भरे थे। पहले फील होता था कि भाई विनेट क्या ही बेकार है, बट अब लगता है कि यार विनेट ही अच्छा है, विनेट दे दो टोल टैक्स से छुट्टी। फिर लो जी लो अपना नंबर आ गया है, यहाँ से शायद से टिकट ही निकलेगी, खाली निकाल लो। चलो जी। कुछ टोल टैक्स में ना एंट्री के टाइम पे पैसे ले लेते हैं, कुछ टोल टैक्स में क्या एंट्री के टाइम पे खाली टिकट देते हैं, जब आप एग्जिट मारोगे ना फिर वो देते हैं भाई। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग सीन चलता रहता है। अब लेट्स सी जब एग्जिट लेंगे तो कितने पैसे लगेंगे। यहाँ पे भी भाई कई कई जगहों पे ना रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो वही ट्रैफिक को मतलब इन दो लेन में डाइवर्ट किया हुआ है, तो थोड़ा सा जाम लगा हुआ है आगे की तरफ में। टोटल भाई यहाँ से 114 किलोमीटर रह गया है और अभी हमें हाईवे को छोड़ना है ये कैलिस जाने के लिए। यहाँ से एग्जिट लेंगे फिर उसके बाद 114 किलोमीटर चलते जाना है मस्त एकदम। ये देख सकते हो बोर्ड आ गया ऊपर भाई, कैलिस के लिए राइट लेना है, यही वाला टर्न है। अब ये हाईवे पता नहीं कहाँ पे जा रहा है भाई, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ से जाना है फिलहाल। जो अंडर वाटर टनल है ना भाई इसका नाम है यूरो टनल, और जो ट्रेन सर्विस हम ले रहे हैं इनकी वेबसाइट है ली शटल के नाम से। 2 व्लॉग पहले मैंने दिखाया था आपको बुकिंग करने का पूरा। अभी जो हमें टिकट पड़ी है भाई वो पड़ी है 225 यूरो की, जिसमें गाड़ी भी और हम दोनों भी इंक्लूडेड है। और इसके अलावा ना इनकी एक फ्लेक्सी करके टिकट होती है 500 यूरो के आसपास। उसमें क्या है कि आप ना जिस दिन की भी टिकट बुक करवा रहे हो कभी भी किसी भी ट्रेन में चढ़ सकते हो, वो थोड़ा सा ना फ्लेक्सीबिलिटी मिल जाती है कि अगर आप लेट हो गए हो या जल्दी हो गए हो तो कोई भी आपको ट्रेन दिखे उसी में आप लोड कर सकते हो। बट फिर वो महंगी है भाई, 45,000 रुपए खर्चना उसके लिए वर्थ इट नहीं था। हमें जो है वो 22,000-22,500 वाली मिल गई तो वो ज्यादा सही था। और काफी जो है ना अगर आप ऑन द स्पॉट लेते हो तो भाई बहुत महंगी भी पड़ती है, मतलब 800 यूरो की, यानी कि 80,000 रुपए की ट्रेन टिकट मिलती है। वो बेटर है पहले ही बुक करवा लेना, 3-4 दिन पहले भी बुक करवाओगे काम चल जाएगा। हमने भी 3 दिन पहले ही करवाई है तो आराम से जो है ना वो डेट और टाइम दोनों मिल गया। 6:50 की है और यूके पहुंचा देगी 6:25 पे,
तो थोड़ा सा वो टाइम डिफरेंस आ गया 1 घंटे का इसलिए। और अभी भाई ये पूरा स्ट्रेट हाईवे है 101 किलोमीटर तक, मतलब कहीं हमें उतरना नहीं है, उसके बाद फिर 7-8 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। अभी मैंने फिलहाल कैलिस की जो है ना वो लोकेशन डाली है। अब जो फेरी है ना वो तो भाई चलती है कैलिस पोर्ट से। अब ये ली शटल ट्रेन जो है वो कहां से एग्जैक्ट पॉइंट जो है वो ईमेल आया होगा, वहां से एक बार रुक के लोकेशन देख के फिर नेविगेशन लगाऊंगा, पर अभी कैलिस तक तो जाना ही है इसलिए वहां की लोकेशन डाल। चलो जी फाइनली भाई एग्जिट आ गई है टोल टैक्स की, यहाँ पे वो पर्ची डाल के देखते हैं कितना पैसा लगा। और कैलिस भी बिल्कुल आ ही गया भाई, बस अब तो 38 किलोमीटर और रह गया, तो मेरे ख्याल से तो अब ये लास्ट ही है, मतलब टोल टैक्स एक ही आया आज पूरे रस्ते का। कितने 270 किलोमीटर चल लिया हम लगभग, 260-270, अब कितना भरना पड़ेगा इतने किलोमीटर का वो देखना। ये वाली भाई मशीन लगी हुई है एंड अपनी लाइन में बोरी आगे, वहां पे करना है हमें। और वहां पे ऊपर ना बोर्ड लगा होता है कि कैश वाली लेन में घुसना है या फिर खाली कार्ड वाली या कैश एंड कार्ड दोनों वाली, तो हमारे पास तो कार्ड भी है, कैश भी बचा हुआ है थोड़ा सा वहां से जो निकलवाया था एटीएम से, तो कैश की भी जरूरत पड़ेगी तो काम आ जाएगा। वैसे तो यूरो अभी काम आएगा भाई, आयरलैंड हम जाने वाले हैं वो भी यूरोप में पड़ते हैं और वहां की करेंसी भी यूरो ही है, तो यूरो कैश में तो निपट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा इंश्योरेंस भी लेना है अभी यूके के लिए बॉर्डर पे, तो हो सकता है वहां पे भी यूरो चल जाए, बाकी पाउंड अपने पास है नहीं, वो वहीं जाके निकालेंगे हम। और अभी पिछले 3 महीने से भी ज्यादा से ना हम भाई इंडिया से ओपोजिट रूल्स वाले लेन में गाड़ियां चला रहे थे, इंडिया में लेफ्ट में चलाना होता हमें राइट में चलाना था, इंडिया में राइट से ओवरटेक करना होता है हमें यहाँ पे लेफ्ट से करना था, ईरान में भी टर्की में भी एंड यहाँ यूरोप में भी। बट अब यूके एंटर करते भाई वापस से इंडिया वाले रूल्स आ जाएंगे सारे के सारे, मतलब हमें उस रोड पे ड्राइव करना है और ओवरटेक भी राइट में करना है, क्योंकि वहां की जो गाड़ी है ना उनका स्टेयरिंग व्हील भी राइट साइड में ही है हमारी तरह। वैसे तो अभी 3 महीने में ऐसा भी नहीं है कि जो मतलब 4-5 साल से इंडिया में चलाया उसकी आदत छूट गई है, बट हाँ आज में थोड़ा सा लगेगा कि यार यूरोप में जो आदत लगी हुई थी ना ओवरटेक करने की या लेन में चलाने की, वो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा यूके जाके, बट कल से वापस से दिमाग जो है सेट हो जाएगा कि इंडिया में जैसे चलाते थे वैसे ही चलानी है। मतलब इंडिया में तो खैर रेड लाइट मानते नहीं थे लोग इतना, बट यहाँ पे वो वाले रूल्स प्रॉपर फॉलो करने हैं, बस वैसे वाले है कि ओवरटेक वगैरह इंडिया वाला ही चलेगा सेम। एंड एक और चेंज आएगा वहां जाके कि ये जो नंबर प्लेट आप देखते हो ना भाई, जिसमें ऐसे यूरोपियन यूनियन के वो स्टार्स बने होते हैं और फिर कंट्री का इनिशियल वो अल्फाबेट बना होता है, जैसे एफ लिखा है तो ये फ्रांस की गाड़ी है, बट यूके जाके भाई नंबर प्लेट वगैरह सब कुछ अलग हो जाएगा। ये मशीन है भाई, यहाँ पे पेमेंट करनी है हमें टोल की, मेरे ख्याल से तो भाई 10-12 यूरो तो होगा ही होगा जिस हिसाब से चले आज। यहाँ पे बस टैप कर देना भाई, उसके बाद जो है पेमेंट कट जाएगी। ये आया ना 24 यूरो, 24 यूरो ही है, कार्ड लगा दो। चलो भाई चलो, मेरे कार्ड से हो गई पेमेंट, टोटल भाई 2280 रुपीज कटे, वही 24 यूरो भाई साहब। 250 किलोमीटर या 260 किलोमीटर छोड़ो, 300 किलोमीटर ही लगा लो भाई, 300 किलोमीटर के लिए 2500 का टैक्स लगभग, रोड टैक्स या टोल टैक्स, बहुत ज्यादा महंगा है भाई। यहाँ पे विनियट ही सही था, 10-15 यूरो में मिलता था, अपना 15 दिन फ्रीली चलाओ किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री मतलब उसी कंट्री में। तो ये फ्रांस और इटली में भी आ जाना चाहिए यार विनियट जल्दी से जल्दी, वरना तो टोल टैक्स यहाँ के मार देते हैं बुरी तरह। तो जो बुकिंग करने के बाद इनका ईमेल आया ना कंफर्मेशन वाला या फिर जिसमें बोर्डिंग पास होता है भाई, इन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन भी दे रखी है और साथ ही साथ में ना डायरेक्शंस भी समझा रखे है कि A16 हाईवे आएगा, उसमें से फिर 42 नंबर लेन लेनी है, फिर 42 के बाद 42B लेन लेनी है, देन आप जो है वो एंटर कर जाओगे हमारे पोर्ट में, फिर वहां से 2 ऑप्शन निकलेंगे, एक जो ट्रक वगैरह जाते हैं वो और दूसरा टूरिस्ट गाड़ियों के लिए, तो हमें टूरिस्ट गाड़ी वाला लेना है। तो मतलब लिटरली भाई एक एक छोटी छोटी डिटेल समझा दी इन्होंने, प्लस गूगल मैप की लोकेशन तो दे ही दी, तो मैंने अभी वो लगा ली है। जो कैलिस सिटी है ना उससे अराउंड 9-10 किलोमीटर बाहर की तरफ है और पोर्ट है तो भाई ऑब्वियसली बाहर ही होगा, सिटी सेंटर में तो नहीं होगा। तो अभी बस जा रहे हैं भाई, 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, वहां पे चेक इन का प्रोसीजर करते हैं सारा, और अंदर बहुत बड़ा टर्मिनल बना हुआ है, तो वहीं पे बैठ के कुछ खाना पीना देखते हैं और साथ ही साथ में अपना रिफंड ले लूंगा वो 15,000 रुपए का। ये देखो तो ये वाली 42 वाली लेफ्ट वाली है हमारी लेन और उधर राइट की तरफ अलग लेन जा रही है, ये लिखा गया ना रोड पे भी फेरी कार।
ऊपर देख सकते हो आप, लिखा भी आ गया टनल के बारे में। अगर हम वो राइट वाला एग्जिट ले लेते तो फेरी की तरफ जाता वो, अगर हमें फेरी लेनी होती, बट हमें फेरी नहीं लेनी इसलिए हमने 42 इधर वाला लेफ्ट वाला एग्जिट लिया यूरो टनल के लिए। यहाँ से सिर्फ भाई 5 किलोमीटर ही रह गया। तो आप जितनी भी गाड़ियां देख रहे हो ना, लगभग सब लोग यूके ही जा रहे होंगे या फिर अपने किसी रिलेटिव को छोड़ने के लिए जा रहे होंगे वहां तक। आई है भाई यहाँ से फाइनल एग्जिट। अब ये लेफ्ट वाला हाईवे तो सीधा जाता जा रहा है, राइट वाला जो है वो अपना टनल के लिए रास्ता कटा हुआ है। सामने देख भी लो लिखा हुआ है टनल सोस ला मांचे। चलो भाई ये देखो सामने जो है बोर्ड लिखा आ गया चेक इन का, और ये फ्लेक्सी प्लस का ना अलग बोर्ड है। मैंने बताया था ना महंगी वाली टिकट अगर किसी ने बुक कर रखी है तो उनका लेफ्ट की तरफ से बना हुआ है अलग से, बट हमारी नॉर्मल वाली है तो राइट से। और टिकट सेल्स का भी ऑफिस है, मतलब आप टिकट यहाँ से भी खरीद सकते हो अगर चाहो तो, बट हमें खरीदनी नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी टिकट है भाई। तो ये बड़ा सा टर्मिनल है, लेट्स सी अब यहाँ पे कितनी देर लगेगी। यहाँ पे भाई सबकी जो है वो पूछताछ चल रही है, जांच पड़ताल। एंड ऊपर देखो भैया यूके का झंडा फाइनली दिख गया है। और एक चीज और नोटिस करना, यहाँ पे जो ये बने हुए ना खांचे से, ये राइट साइड में है क्योंकि ज्यादातर गाड़ियों के स्टेयरिंग राइट में है। हालांकि है हम फ्रांस में, बट इन्होंने यूके स्टाइल में लगा रखे अपने, नाकी के लेफ्ट में लगाए हैं। तो आई गेस भाई ये पासपोर्ट नहीं मांग रहे यहाँ पे, ये टिकट देख रहे हैं कि जो हमने ऑनलाइन बुकिंग करी है ना, तो फोन में बार कोड दिखा देता हूँ इन्हें। अच्छा भाई मशीन लगी पड़ी है यहाँ पे देखो सेल्फ चेक इन की, तो खुद ही चेक इन करना पड़ेगा, कोई भी बंदा नहीं है यहाँ। अब हमारी गाड़ी को दिक्कत नहीं हुआ करेगी टोल टैक्स में, अगर मैं अकेला भी कभी चला रहा हूँ तो राइट साइड में ही पार्किंग वार्किंग का हर जगह पे यूके में आए करेगा, वरना क्या करना पड़ता था, उतर के जाओ उधर फिर टिकट निकालो फिर घुसो। अब क्या मस्त राइट साइड में सब मिलेगा, ड्राइवर साइड में ही अपना ड्राइवर ही कर सकता जो करेगा। चलो भाई इस वाली गाड़ी का भी हो गया है एंड अपना नंबर आ गया है, पता नहीं क्या क्या होगा इसमें, ऑब्वियसली इंग्लिश में भी होगा। हाँ ये देखो प्रेस टू चेक इन की इन योर 8-डिजिट बुकिंग रेफरेंस, भाई इसमें हमारा बुकिंग रेफरेंस कौन सा है, हाँ ये रहा, चलो डाल देता हूँ। लो जी नंबर डालने के बाद वेरिफिकेशन कर रहे हैं शायद से ये, प्लीज वेट। हाँ आ गया ना मिस्टर जायसवाल, वेलकम टू यूरो टनल, कन्फर्म कर देते हैं। भैया हमारी डीजल है कन्फर्म, योर बुक डिपार्चर नो चार्ज, हाँ तो यही है अपना, सही है भाई। फर्स्ट कॉल फॉर बोर्डिंग 2 घंटे 42 मिनट में हमारी कॉल आएगी बोर्डिंग की। प्रिंट हो रहा है हैंगर भैया, लेट्स गो भाई। चलो जी बोन वोयेज मतलब फ्रेंच में, बस हो गया, खुल गया भाई खुल गया। ये लो ये सोटी का मतलब मैंने आपको बताया था एग्जिट होता है, बट हमें एग्जिट नहीं लेना, हमें भाई टर्मिनल की तरफ जाना है यहाँ से। ये सामने बोर्ड देख लो भाई, लिखा आ गया है पैसेंजर टर्मिनल ली शटल, में रखना है भाई लेफ्ट में क्योंकि वो राइट वाला जो है वो पार्किंग का एरिया है। भाई ये पूरी पार्किंग आ गई है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक स्टेशन भी लगे हुए हैं गाड़ी वाड़ी चार्ज करने के लिए, तो मेरे को लग रहा है यहीं पे ही गाड़ी खड़ी करनी है और अंदर जाना है। वो सामने टर्मिनल दिख रहा है ना आपको, वहाँ पे होगा सारा प्रोसेस भाई साहब। बहुत गाड़ियाँ लगी हुई है पार्किंग में, कितने लोग जा रहे हैं मतलब की। ये देखो भाई जो मशीन से निकला था ना अच्छे से, आप F3 जो है लिखा हुआ है, 2 लोग है जो गाड़ी में जाने वाले है, FR10 AOU और लार्ज साइज जो बुकिंग के टाइम पे हमने करा था, क्योंकि अपनी स्कॉर्पियो भाई एक SUV गाड़ी है, प्लस में इसके ऊपर रूफ कैरियर भी लगा हुआ है और सैंड लैडर जेरिकैन भी लगा हुआ है, तो उससे ना थोड़ी हाइट और बढ़ जाती है, तो इसलिए मुझे लार्ज वाला साइज लेना पड़ा। इसी रीजन की वजह से टिकट भी शायद से थोड़ी महंगी थी, वरना जो छोटी गाड़ियां होती है उनकी और सस्ती होती है इससे। और आज क्योंकि भाई एक मेजर बॉर्डर क्रॉसिंग होने वाली है, इसलिए अपनी जो नमस्ते लंदन वाली प्रिंटेड टी शर्ट थी वो मैंने पहन ली है। पीछे देखो भाई पूरा लिखा हुआ है ट्रिप के बारे में, और एक टी शर्ट और बची है वो मैं पहनूंगा जब मैं यूके से इंडिया वापस जाऊंगा, तो बढ़िया हो जाएगा सीन अपना सेट एकदम, है ना। बाकी लाइन से देख लो भाई पार्किंग पूरी ठुसम ठुस भरी पड़ी है, इतने ज्यादा लोग जो है ना वो यूके जा रहे हैं और कई लोग यूके से आ भी रहे होंगे उधर। ये जितनी भी गाड़ी आप देख रहे हो ना नंबर प्लेट, ये सारी की सारी भाई यूके की है क्योंकि इसमें यूरोपियन यूनियन का वो नहीं लगा हुआ फ्लैग। प्लस एक चीज और भाई, यूके की गाड़ी अगर आप यहाँ पे चलाते हो तो एक स्टिकर लगाना पड़ता है इस तरह का यूके का, सारी गाड़ियों में लाइन से लगा हुआ है आप देख सकते हो। और इसके पीछे रीजन वही है भाई स्टेयरिंग व्हील का, क्योंकि यूरोप में सारी लेफ्ट साइड वाली जो है स्टेयरिंग व्हील चलते हैं और यूके में राइट साइड में है, तो इसलिए आपको स्टिकर लगाना पड़ेगा। वैसे बनता तो हमारा भी है लगाना क्योंकि हमारा भी स्टेयरिंग राइट साइड है, बट हमें कुछ पता ही नहीं था भाई, तो हम तो पूरा यूरोप एग्जिट भी मारे है लेकिन हमने लगाया ही नहीं। देख लो भाई सब गाड़ियां आए जा रही है, जबकि आज वीकडे है, वीकेंड नहीं है, तो आप खुद सोचो वीकेंड में तो कितनी भीड़ होती होगी। मतलब इनके लिए तो भाई कितना सिंपल है ना कि ऐसे सैटरडे संडे छुट्टी है चलो आओ यूके घूमे आते हैं, और यूके वालों के लिए कितना सिंपल है कि चलो आओ फ्रांस घूमे आते हैं। एंड ये सामने भाई स्क्रीन है जिसमें अपनी ना बोर्डिंग के लिए कॉल आ जाएगी, बट अभी तो दूर दूर तक हमारा नाम आएगा ही नहीं क्योंकि बहुत टाइम है। 3:44 पे हम पहुंच भी गए हैं भाई यहाँ पे, जबकि अपनी जो ट्रेन है वो
650 की है रात को। तो देखो अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, ये देखो भाई इस तरह का इतना बड़ा पैसेंजर टर्मिनल बना हुआ है, फ्री वाईफाई है अंदर, तो अंदर बैठो आराम से, खाओ पियो जो मर्जी करो। वो भाई साहब काफी बड़ा है, तो देख रहे हो स्टारबक्स वगैरह सब कुछ है और ड्यूटी फ्री भी है। यहाँ पे शॉपिंग वोपिंग करनी हो आपने, कुछ देखता हूँ अभी मैं। बाकी बर्गर किंग है, फैमिली लाउंज बना हुआ है, मैं तो चला वॉशरूम, मस्त बने हुए भाई साहब वॉशरूम, साफ सुथरे और एकदम ऐसे लग्जूरियस। यहाँ पे भी बोर्डिंग स्क्रीन लगी हुई है, तो आप यहाँ से भी मतलब देखते रहना कि जैसी कॉल आएगा अपना सीधा निकल लो। चलो भाई ड्यूटी फ्री में चलते हैं, कुछ शॉपिंग करें। ड्यूटी फ्री में तो नहीं था भाई कुछ खास, मतलब वही दारू और सिगरेट विगरेट मिल रही है, वो लेनी हो तो ले सकते हो आप। बाकी वैसे ना टर्मिनल अच्छा बना रखा है, बैठ बैठ सकते हो आप आराम से, चाहे 2 घंटे 3 घंटे चेयर्स बनी हुई है। और नहीं बैठना अंदर तो अपनी गाड़ी में बैठ जाओ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये जो सामने आप टर्मिनल देख रहे हो बाइक्स के लिए, देखो कितने सारे बाइकर्स खड़े हैं, और इसके इधर जो है ये पूरी पार्किंग गाड़ियों के लिए है। अरे यार मैं बाहर आ गया, मैं वो तो भूल ही गया कि मुझे रिफंड भी लेना है भाई। तो देखते हैं अंदर वैट रिफंड का काउंटर कहाँ बना हुआ है। एंड ये देखो भाई इन्होंने जमीन पे ही ना स्टिकर लगा रखे टैक्स रिफंड का, जो है कस्टम ऑफिस दिस वे, मतलब मुझे इसको फॉलो करते हुए जाना है जहाँ तक ये जा रहा है। एकदम से आप जब कहीं पे एंटर करते हो ना, तो भाई मतलब बड़ा होच-पोच सा हो जाता है, हर जगह चीजें दिखाई देती है ना, तो समझ नहीं आता कहाँ पे क्या है। बट ये स्टिकर जो है भाई अंदर ले जा रहा है यहाँ पर, तो इधर ही कहीं होना चाहिए काउंटर। हाँ ये है शायद। तो ये कस्टम ऑफिसर जो थे ना, कस्टम ऑफिसर या टैक्स रिफंड वाले ऑफिसर, ये कह रहे हैं कि अगर आपका अमाउंट छोटा है, यानी कि अगर मैंने ड्रोन खरीदा होता 150-200 यूरो, तो मुझे प्रोडक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली जो है वो इनवॉइस दिखा के और अपना पासपोर्ट दिखा के इनसे कैश ले सकता हूँ रिफंड। बट मेरा भाई प्रोडक्ट क्योंकि महंगा है, अराउंड मैंने भाई कितने का 1200-1300 यूरो में लिया था सब कुछ, और टैक्स अमाउंट जो है ना वही है भाई 150 यूरो, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इनवॉइस तो देना ही पड़ेगा, साथ में पासपोर्ट और अपने प्रोडक्ट्स भी लाने पड़ेंगे। एंड यही रीज़न था भाई कि मैंने अनबॉक्स नहीं करे थे प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ की पॉलिसी है आप कोई भी चीज़ ना यूज़ करके फिर रिफंड नहीं ले सकते, आपको जो है वो पेटी पैक ले जाना पड़ेगा यहाँ से, उसके बाद एक बार रिफंड मिल गया फिर आप उसे खोल लो, तोड़ो फोड़ो, यूज़ करो जो मर्जी करो। तो आज मैं रिफंड ले लूँगा, फिर यूके जाके मस्त अपना उड़ाऊंगा, मतलब स्कॉटलैंड की तरफ, इंग्लैंड नॉर्मल वहाँ लंदन एरिया में तो नहीं भैया। ये खड़ी है भाई अपनी गड्डी, इसमें से ड्रोन वो निकालूं, इसलिए मैंने इन प्रोडक्ट्स की ना अलग ही थैली बना ली थी, बैग में रखे नहीं थे, मुझे पता था भाई रिफंड में हो सकता है वो मांगे। ये हुडी वुडी निकाल देता हूँ यहीं, एंड साथ में इंपॉर्टेंट है भाई वो टैक्स रिफंड का इनवॉइस। तो चलो भाई अंदर जाके इनको प्रोडक्ट्स वगैरह दिखाते हैं और अपना पैसा लेते हैं। अच्छा टैक्स रिफंड ना इसलिए होता है क्योंकि भाई अगर हम किसी कंट्री में कोई सामान खरीद रहे हो और हम वहाँ के सिटीजन नहीं है, तो हमें वहाँ पे मतलब टैक्स भरना नहीं है, बट स्टिल हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तो उस टाइम पे वो टैक्स तो लेते ही है दुकान वाले, तो जितना भी वो टैक्स अमाउंट होता है वो हमें एयरपोर्ट में वापस मतलब रिफंड हो जाता है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑब्वियसली काटते हैं वो। तो मेरा वैसे तो था वैट 200 यूरो के आसपास, बट मिल रहा है सिर्फ 150 यूरो। चलो कोई नहीं, इतना मिल रहा है वही बहुत है ना, 15,000 रुपए भी छोटा अमाउंट नहीं होता। सो दिस रिफंड विल बी इन कैश राइट? दे विल गिव यू ऑन योर क्रेडिट कार्ड। नो एक्चुअली आई नीड कैश। यू हैव टू सेंड इट बैक। ये कह रहे हैं अगर मैं भाई फ्रांस से ही खरीदता ना, तो इस वाली मशीन से मैं यहीं से ही जो है वो टैक्स अपना रिफंड ले सकता था, बट क्योंकि मैंने भाई इटली से खरीदा, तो जो वो वैट रिफंड वाला फॉर्म था ना, वो मुझे सिर्फ इनसे स्टैम्प करवाना था जो कस्टम ऑफिसर है। अब वो स्टैम्प हो गया, उसका मतलब ये है कि मैं एग्जिट कर चुका हूँ यूरोप से इन प्रोडक्ट्स को लेकर। तो अब मुझे वो फॉर्म को ना भाई बाय कुरियर भेजना पड़ेगा, वो जो मैं बता रहा था ना, ये कंपनी है जो हैंडल करती है पूरा रिफंड ब्लू करके, अभी दिखाता हूँ नाम, मैं उनको कुरियर भेजना पड़ेगा, फिर वो मेरे कार्ड में या फिर कैश वैश का जो भी सी ना, कैश तो मुझे लग नहीं ना मिलेगा, मेरे क्रेडिट कार्ड में जो है वो अमाउंट ऐड कर देंगे 15,000 रुपए का। तो पता नहीं अजीब ही प्रोसेस है। चलो यूके चाहता हूँ, फिर देखता हूँ वहाँ पे बैठ के वेबसाइट पे इनकी क्या है। सीधा सीधा रखना चाहिए भाई कि एयरपोर्ट पे ही अपना एयरपोर्ट के या फिर टर्मिनल पे ही रिफंड का सेक्शन बना दो, वहाँ पे हाथों हाथ दे दो बंदे को, जैसे दुबई में मिल जाता है, मैंने वहाँ से कैश में अपना रिफंड ले लिया था। ये लफड़ा अलग है कि कुरियर करो ये करो वो करो। बाकी प्रोडक्ट भी भाई बस नाम के ही चेक करे कि है या नहीं है, ना उन्होंने बिल से मैच किया कि मैंने क्या बिल में खरीदा है और क्या मेरे पास है, ना उन्होंने सील कुछ देखी कि खुली हुई है या नहीं है। उससे अच्छा तो भाई खोल के यूज़ ही कर लेता, वहाँ पे यूज़ तो नहीं कर पाता पर खोल लेता भाई, इतने दिन से एक्साइटमेंट हो रही है, कंट्रोल करके रखा हुआ था, आज फाइनली यूके जाके अनबॉक्सिंग करूंगा इस। आज तो भाई टेम्परेचर गर्म ही है, बाहर गर्मी हो रही है काफ़ी ज़्यादा यूके में, हालांकि काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है। मेरे एक रिलेटिव, मेरी सिस्टर है वो रहती है वहाँ पे, तो वो बता रही है कि बारिश ही बारिश हो रही है काफ़ी दिनों से। मैंने कहा बस हम आए तो बारिश रुक जाए, घूम फिर ले, फिर आती रहे उसके बाद। और हाँ ये जो आप देख रहे हो ना टी वाली सिम कार्ड, ये भाई हमारी यूरोप की सिम है, जो मैंने ऑनलाइन ही ई सिम खरीदी थी, एक ऐप है एयरलो करके, मैंने आपको बहुत बार बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप उससे खरीदोगे तो आपको $3 का जो है वो बोनस मिल जाएगा। तो बहुत मस्त ऐप है भाई, मतलब
कहीं भी आपने ट्रैवल करना हो ना, पहले घर से ही सिम कार्ड खरीद लो, जैसे ही उस कंट्री में लैंड करोगे मस्त आपको सिम मिल जाएगी। ये देखो भाई इस तरह की ऐप है अपना, मस्त जिस भी कंट्री में जाना है वहीं की ले लो। तो आज हमें यूके जाना है इसलिए मैंने ये यूके वाली सिम ऑलरेडी खरीद ली है, 1 GB का है $5 और सबसे बड़ा प्लान जो है वो है भाई 20 GB 30 दिनों के लिए $36। तो ठीक है भाई यही लिया मैंने भी, 30 दिन के लिए 20 GB काफी रहेगा और ये पूरे यूके में चलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में भाई मैं लिंक दे दूंगा, आप भी जाके ना उसी से खरीदो, मस्त एकदम आपको भी फायदा होगा और अगर मेरे लिंक से कोई खरीदेगा तो मुझे भी $3 मिल जाते हैं, तो मेरी आने वाली ट्रिप्स पे ना थोड़ा मेरे को हेल्प हो जाएगी, सिम कार्ड एटलीस्ट पैसे नहीं भरने पड़ेंगे। तो अब जैसे ही हम यूरो टनल क्रॉस करेंगे एंड यूके में एंटर करेंगे तो मेरी सिम कार्ड चालू हो जाएगी जो मैंने खरीदी है। चलो जी खाना पीना भी जितना था खा लिया, पेट भर गया, एक मैं कोक ले आया था अंदर से और अभी बच गया है भाई 6, बस बुलावा आता ही होगा कभी भी 10-15 मिनट में, फिर निकलेंगे सीधा। और ये जो टिकट है भाई इसी में लिखा हुआ है F3 ट्रेन नंबर है हमारी, तो वो जो डिस्प्ले बोर्ड है ना वहीं पे ही F3 के आगे जो भी टाइम लिखा है उस हिसाब से हम बोर्ड कर सकते हैं। अगर उसमें लिखा है कि रेडी टू बोर्ड तो अपना चढ़ जाओ भैया ट्रेन में। और अभी इमिग्रेशन हमारा पूरा सब कुछ ना, गाड़ी की चेकिंग वेकिंग जो भी होनी होगी, पता नहीं होगी या नहीं होगी, वो सब आगे होगी। अभी तो हम सिर्फ यहाँ के पैसेंजर टर्मिनल में थे। फॉर एग्जाम्पल आप एयरपोर्ट की तरह ही ले लो, जैसे आपकी फ्लाइट है मान लो रात के 8 बजे की, तो आपको एयरपोर्ट पहुंचना होता है भाई 2-3 घंटे पहले, फिर वहां जाके आपकी सिक्योरिटी चेक होती है, इमिग्रेशन होता है, टिकट चेक की जाती है, बोर्डिंग पास दिया जाता है, देन आप फ्लाइट को बोर्ड करते हो रात के 9 बजे जब भी आपकी फ्लाइट है। एग्जाम्पल सेम प्रोसेस भाई यहाँ पे भी है। तो हमारा चेक इन हो चुका है, टिकट मिल चुकी है हमें, बट अभी सिक्योरिटी चेक गाड़ी का पूरा होगा, पता नहीं एक्सरे मशीन से करेंगे या फिर मैनुअली सामान निकलवा के करेंगे। और फिर उसके बाद हमारा इमिग्रेशन होगा, पासपोर्ट पे स्टैंप भी लगवाना है यहाँ से एग्जिट का, कार्नेट पे भी स्टैंप लगवाना है यहाँ से एग्जिट का, देन जाके हम ट्रेन को बोर्ड करेंगे। फिर ट्रेन 20-25 मिनट लेगी, वैसे तो 35 मिनट बोलते हैं बट 15-20 मिनट का ही है ये पूरा सफर। उसके बाद जब हम ट्रेन से उतरेंगे यूके में तब ये सारा प्रोसेस वापस से होगा, इमिग्रेशन, कस्टम, सिक्योरिटी चेक, एक्सरे वैक्सरे जो भी करना होगा उनको। तो ये प्रोसेस है, बाकी तो व्लॉग में बताता ही चलूंगा आपको। अच्छा ये जो इन्होंने पानी के अंदर टनल बनाई है ना, इसको भाई चैनल टनल भी बोलते हैं, क्योंकि जो वो ओशियन वाला पार्ट है वो इंग्लिश चैनल है उसका नाम, तो इसलिए चैनल के नीचे जो टनल है चैनल टनल, या फिर इसके अलावा इसको चनल भी बोलते हैं, CHUNNEL। अच्छा एक चीज और भाई, हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन थी वो लंदन थी यूके में, बट एक्चुअल में हम पूरा यूके कवर करने वाले हैं और साथ में आयरलैंड भी कवर करने वाले हैं। तो जो प्रॉपर आइटनरी है वो मैं आज थोड़ा बैठ के बनाऊंगा सिटी बाय सिटी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में समझाऊंगा कैसे हम पूरी यूके की रोड ट्रिप करने वाले हैं 20-25 दिनों में। बट आज हम ना फोकस्टोन में ही रुक जाएंगे जहां तक ट्रेन जाती है होटल लेके, और फिर उसके आगे ना बचा हुआ पार्ट कवर करेंगे यूके का, और फिर एंड में 28 या 29 तारीख को ना लंदन आएंगे। तो हमारी एक तरह से ये जो लंदन वाली रोड ट्रिप है ना ये 28 अगस्त को खत्म होगी। मतलब खत्म तो क्या होगी, खत्म तो जब ही होनी है जब हम इंडिया पहुंच जाएंगे गाड़ी के साथ, लेकिन जो प्रॉपर हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है ना यानी कि लंदन, वहां पे हम झंडा भाई लास्ट में ही फहराएंगे। अभी हम पूरा यूके का रोड ट्रिप करके आएंगे ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे और ऐसे मतलब ना हमें भी एक्साइटमेंट रहे कि हाँ रोड ट्रिप अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो ट्रैवल करना है भाई 20-25 दिन होगी। अगर आज ही हम लंदन पहुंच गए तो फिर वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी कि हाँ यार जो ड्रीम लेके चले थे वो हो गया पूरा, अब क्या। तो वो नहीं करना भाई, पहले प्रॉपर ट्रैवल करना है, फिर उसके बाद जो है वो लंदन एंटर करके झंडा फहराएंगे और निकल जाएंगे इंडिया के लिए। बाकी भाई बिल्कुल ही सामने हमारे ये स्क्रीन लगी हुई है, इसमें लिखा आ जाएगा जैसी अपनी कॉल आएगी। देखो अभी B1, B3, B5, C1, C3 की चल रही है और C1, C3 को बुला लिया गया प्लीज प्रोसीड करके। हमारा F3 है भाई, जैसी F3 आएगा उसमें लिखा आ जाएगा प्लीज प्रोसीड, हम भी गाड़ी लेके डिपार्चर की तरफ निकल लेंगे। हाँ ये देखो भाई लिखा आ गया F3 का भी, कॉल इन 4 मिनट, यानी कि 4 मिनट में हमारा भी बुलावा आ रहा है। पता नहीं ट्रेन डिले हुई है या फिर ये पहुंचने का टाइम दिखा रहा है, बट यहाँ पे यार 7:23 लिखा हुआ है, हमारी तो 6:50 की थी, पहुंचने का भी नहीं दिखाना चाहिए 7:00। हाँ पहुंचने का हो सकता है 7:23 फ्रांस के, हाँ यूके के तो अलग टाइम होगा ना, अगर यहाँ से 6:50 पे चलती है तो 7:23 पे ही पहुंचाएगी यहाँ के हिसाब से, सही है। वैसे बाकी डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर निकाल लिया भाई, इसी में कार्नेट है और पासपोर्ट तो है ही अपना, RC शायद से मांगे गाड़ी की, तो RC भी मैंने अपने पाउच में रख रखी है, और इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस तो मांगेंगे नहीं, अभी तक नहीं मांगा किसी भी बॉर्डर पे, मांगेंगे तो दिखाई दूंगा, इंटरनेशनल भी है नॉर्मल भी है। तो ये स्टैंप लगा था हमने जब अपना यूरोप में एंटर किया था 1 तारीख को, देख लो ग्रीस में लगा था ये भी, तो अभी यहीं पे ही है, तीसरे वाले पन्ने पे जो है एग्जिट का भी स्टैंप मार लेंगे। वैसे कायदे से तो इनको ये वाले ना 2 पेज एक एंट्री के टाइम पे फाड़ लेना चाहिए था और एक एग्जिट के टाइम पे फाड़ लेना चाहिए था, और इनमें से सिर्फ एक ही हिस्सा जो है वो हमें मिलता है, ये 3 पार्ट है ऊपर बीच में और नीचे, बट पता नहीं इनको कुछ लेना देना ही नहीं होता भाई, ना तो ये स्टैंप मारते खुद से ना ही ये फाड़ के रखते, तो फाड़े तो ना भले ही कोई नहीं बट स्टैंप जरूर मार दे हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए भी थोड़ा सेफ्टी रहेगी कि हाँ यूरोप में एंटर किए थे गाड़ी के साथ और गाड़ी के साथ ही एग्जिट भी किए। वैसे तो जो ट्रेन टिकट है वो भी भाई एक तरह से प्रूफ ही हो गया आप समझ लो, बट स्टिल हम स्टैंप लगवाएंगे और सेम यूके में भी एंट्री का स्टैंप लगवाना है, भले ही वो लगाए ना लगाए हम बोल देंगे कि प्लीज लगा दो। चलो भाई वो जो स्क्रीन है उस पे बुलावा आ गया है चलने के लिए, डिपार्चर की तरफ चलते हैं, सारा प्रोसेस करते हैं और फाइनली बोर्ड करते हैं ट्रेन में। ये
सामने वाली गाड़ी देखोगे ना भाई, इसकी नंबर प्लेट में ये देखो, इसकी नंबर प्लेट में यूरोपियन यूनियन का वो तो बना हुआ है झंडा, और साथ में यूके भी लिखा हुआ है। राइट साइड में स्टेयरिंग व्हील है, ये नहीं पता भाई नंबर प्लेट यूरोप की है या यूके की है। जीबी लिखा हुआ है, जीबी से तो कोई कंट्री है नहीं यूरोप में। ये जो जीबी लिखा हुआ है ना, शायद से इसका मतलब ग्रेट ब्रिटेन भी हो सकता है, क्योंकि यूके को बोलते हैं भाई। तो पता नहीं यहाँ का नंबर है वहाँ का नंबर है, किसी को आइडिया हो तो जरा बता देना। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है भाई बोर्डिंग का। ये जो अंडर वाटर टनल है ना, इसके बारे में आपको थोड़े से फैक्ट्स बता देता हूँ। सबसे पहले तो भाई ये टनल कनेक्ट करती है फ्रांस एंड यूके को, एंड स्पेशली फ्रांस के कैलिस से यूके के फोल्कस्टोन तक। आई होप यही प्रोनंसिएशन होती हो। पूरी टनल जो है ना वो 31.4 माइल्स लंबी है, 50 किलोमीटर से कम है अराउंड। एंड इस टनल का जो डीपेस्ट पॉइंट है ना वो भाई 250 फीट पे है बिलो द सी लेवल। अब ये जो सामने गाड़ी जा रही है इसमें नहीं है यूरोपियन यूनियन का वो वाला झंडा, नॉर्मल नंबर प्लेट थी। इस टनल को 1994 में शुरू किया गया था, और इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट लगाई गई थी ना भाई, उससे 80% ज्यादा कॉस्ट लगी थी इसको बनाने में। साथ ही साथ इस टनल को बनाने के लिए 13,000 वर्कर्स लगे थे टोटल भाई साहब। अच्छा हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज भाई, ये जो टनल है ना सिंगल टनल नहीं है, एक्चुअल में तीन टनल है इसमें, जिसमें से दो जो है वो यूज होती है नॉर्मल डेली लाइफ में, और जो एक टनल है ना उसको आप सर्विस या फिर इमरजेंसी टनल कह सकते हो। और इस टनल में से ना भाई नॉर्मल ट्रेन निकलती है, जिसमें पैसेंजर्स को भी लेकर जाया जाता है, बड़े बड़े ट्रक्स भी जाते हैं सामान के साथ, और हम जैसे लोग भी जाते जो अपनी गाड़ी के साथ ट्रेवल कर रहे हैं फ्रांस से यूके या यूके से फ्रांस। जब ये टनल बन रही थी ना, तो उस टाइम पे फ्रांस और यूके दोनों ने डिसाइड किया था कि वो अपनी अपनी तरफ से ना टनल बनाना शुरू करेंगे, एंड बीच में आके एक सेंटर पॉइंट में मिल जाएंगे। तो जो यूके वाली साइड की टनल थी ना वो भाई बहुत जल्दी जल्दी बन गई थी, बट फ्रांस की टनल जो है ना वो थोड़ी सी स्लो बनी थी एज कम्पेयर टू यूके। बट ये यूके स्टिकर वाली जितनी आप गाड़ियां देख रहे हो ना सामने, सबके स्टेयरिंग व्हील राइट साइड में ही है हमारी तरफ। अब भाई थोड़ा अपना अपना सा फील होएगा ऐसे, मतलब सेम सेम गाड़ियां देखने को मिलेगी ना स्टेयरिंग व्हील के साथ। लंबी ही लाइन लगी पड़ी है यहाँ तो, देखना एक एक के अच्छे से वही है पूरा हो रहा होगा ना चेक। ऐसे यही वाला काउंटर इमिग्रेशन के है, यहीं पे पासपोर्ट वासपोर्ट देखेंगे वो। बाकी जिन भी लोगों के पास अपने डॉग्स है ना भाई, वो भी इस ट्रेन में ले जा सकते हो। जब आप टिकट बुक करते हो ना, तो उस टाइम पे ऑप्शन आता है कि अगर आपके पास कोई पेट है तो आप उसको ले जा सकते हो। जबकि जो फेरी है ना, फेरी में अलाउड नहीं होते पेट्स जहां तक मैंने सुना है, बाकी ट्रेन में अलाउड है भाई। अच्छा काफी लोग सोच रहे होंगे कि भाई ऐसे समुद्र के नीचे टनल बनी हुई है और उसमें से ट्रेन जा रही है, तो सेफ्टी का काफी ख्याल आ रहा होगा ना लोगों के दिमाग में कि भाई सब डरावना सा सीन होगा, बड़ा ऐसे अंधेरा अंधेरा अंदर पूरा, ऊपर से कुछ दिक्कत हो गई तो समुद्र के अंदर फंसे पड़े हम अपनी गाड़ी के साथ। तो वैसे तो ये टनल जो है ना 25 साल से भी ज्यादा पुरानी हो गई है, मैंने बताया 1994 में शुरू हुई थी, बट स्टिल भाई इसमें अभी तक एक दो हादसे हुए हैं पहले भी। सबसे पहला तो हादसा भाई बनने के दो साल में ही हो गया था, यानी कि 1996 में अंदर की जो ट्रेन थी ना वो ब्रेक डाउन हो गई थी भाई स्नो की वजह से। तो उस ट्रेन में जो 1000 लोग थे ना, उनको भाई 15 घंटे लग गए थे टनल से बाहर आने में, मतलब ये 35 मिनट की जर्नी है सिर्फ, और सोचो 15 घंटे तक फंसे रहे अंदर। सेकंड हादसा भाई नवंबर में हुआ सेम साल में, जब टनल के अंदर एक ट्रक में आग लग गई थी, तो उस आग से ना भाई काफी नुकसान हुआ अंदर टनल में भी, ट्रैक्स में भी, ट्रेन में भी, बट जितने भी पैसेंजर्स थे ना सबको भाई रेस्क्यू कर लिया गया था। और ये हादसा होने के बाद ना 6 महीने तक टनल को बंद कर दिया गया था। फिर तीसरा हादसा हुआ 2008 में, जब वापिस से आग लग गई थी, और इस बार पूरा सेटल डाउन करने में भाई 16 घंटे लग गए और काफी लोग जो है वो इंजर्ड भी हुए थे। बाकी ज्यादा लंबी जर्नी है नहीं, फटाफट से निकल जाएंगे, सब अच्छा अच्छा होगा। इतनी दूर बताओ इंडिया से गाड़ी चला के आगे भाई, अब ये छोटी सी टनल से क्या ही डरना है ना, पहुंचने वाले अब तो अपनी मंजिल में। बाकी मीटर की बात करें तो भाई यूरोप में हमने 6700 प्लस 300 किलोमीटर पहले गए थे, तो 7000 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। अभी आयरलैंड बचा है जिसमें, तो वहां पे भी मतलब 500-600 चला लेंगे और कितना। तो यानी कि यूरोप का जितना भी रीजन था ना भाई, 7500 गाड़ी चलाई है हमने किलोमीटर, मतलब माइल्स नहीं। अब से जो है वो सब कुछ माइल्स में आने वाला है यूके एंटर करते ही, और हमारी गाड़ी की स्पीड किलोमीटर में है, तो थोड़ा सा स्पीड लिमिट के ना कैलकुलेशन करना पड़ेगा ध्यान से, कहीं रूल टूटे और फिर चलान आ जाए। बाकी अभी ट्रिप बी जो है ना, इसको मैं रीसेट कर देता हूं भाई, ताकि यूके में कितनी चलेगी गाड़ी वो पता रहे, क्योंकि अब टनल में तो चलनी नहीं है गाड़ी बिल्कुल भी, मतलब खड़ी हो जाएगी बस ट्रेन में, और फिर जब हम ट्रेन से निकलेंगे तो वो यूके की ही जमीन होगी, तो यूके में हमारी गाड़ी का जो मीटर है वो स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो भाई, लिखा हुआ है फ्रेंच कस्टम्स, यानी कि अभी हम फ्रेंच साइड में है, फ्रेंच साइड नहीं फ्रांस की साइड में है। यूके का तो टनल क्रॉस करने के बाद आएगा ना सब। चलो जी चलो, एक गाड़ी और, उसके बाद अपना भी नंबर आ जाएगा। एंड यहाँ पे भाई जो वो बॉक्स बना हुआ है ना खिड़की, वो लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पे तो खाली पासपोर्ट ही दिखाना है, मुझे नहीं लगता ये उस पे अभी स्टैंप मारेंगे जो कार्नेट है हमारा, स्टैंप यही मार रहे हैं भाई, तो कार्नेट का भी बोल ही देते हैं इनको। एक्चुअली वी वांट स्टैंप ऑन कार्नेट एज वेल, एग्जिट स्टैंप, एग्जिट स्टैंप दे। ओके दैट टर्मिनल सिस्टम,
ओके थैंक यू। यहाँ पे तो भाई इन्होंने खाली पासपोर्ट पे ही स्टैंप मारा है, कह रहे आगे से करवा लो। उसमें दो लेडी ऑफिसर मिले हैं। एक्चुअली वी नीड स्टैंप ऑन आवर कार्नेट। A stamp carnet, you yes. need a stamp carnet. Yes. Alors, after the control, my colleague arrived to go stamp. Ah, okay, okay. Could you uh-huh. tell to my colleague? Okay, okay, okay. You, this, need, this you is, need a stamp, yes. Yes. That one is UK, UK side. Yeah, UK. But we won't exit stamp from Europe. Yeah, you after, okay, the procedure after, okay? Ah, okay. You ask to my colleague and after my colleague arrived. They are from French side? Yes, inside. Okay, no, no, they are from French side. French side. Ah, okay, okay, okay. You understand? Yes, yes, okay. Okay, fine. थैंक यू। हाँ वही तो अलग ही है भाई, ये तो कह रहे हैं कि यूके का क्रॉस करो उसके बाद इनके कोई कलीग है वहाँ पे वो मारेंगे स्टैंप। ये क्या बात हुई भाई। चलो जी चलो, यूके का भी बॉर्डर कंट्रोल यहीं आ गया। मुझे लगा था टनल क्रॉस करने के बाद आएगा, बट ये इन्होंने सब कुछ यहीं पे ही बना रखा है मस्त एकदम। और ये आप देखोगे ना, इनका जो डब्बा है वो राइट साइड में हमें पड़ रहा है, बट दूसरी वालों के लिए लेफ्ट साइड पड़ रहा है। दिए थे पक्का दोनों? हाँ कंफर्म भाई, मैंने ऐसे वीडियो बनाया। गाड़ी से पासपोर्ट चला गया ये क्या भाई? पासपोर्ट नहीं मिल रहा, कहाँ गया पता नहीं। अब कैमरा ऑन था तेरे, बट देखियो उसमें, देखियो ये तुम्हारी तरफ थोड़ी मुंह था, वो तो बाहर की तरफ था। मिल गया भाई, शुक्र है। फट गई थी मेरी तो भाई साहब की, बॉर्डर पे खड़े है जस्ट, और पासपोर्ट गायब हो गया। लेट्स गो भाई, नौ दो। हेलो, 24 डेज। 24 days. Yes, we are doing a road trip across all the UK and then we'll go to Ireland also. Yes, 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 Scotland also. Wales, Scotland, England and North Ireland also. It's a long drive. Yes. We are coming from India. What is the purpose of this? We are YouTubers. We make videos. Oh, okay. Yeah. We will go to Ireland, then yeah. we'll ship our car from Dover Port to India. All right, and then yes. that's your journey finished. Yes, yes. So are you a millionaire yet? Not yet. Because friends that I know, or I see, and I follow, and I've followed uh-huh. them for maybe 4 or 5 years, and they okay. started with just nothing. Right? Uh-huh. Now they have, you know, hits. Mm. So many hits come up. We also started from nothing. Yes, yes. New cars. Also, we need exit stamp on our carnet. Finally, entry हो गई है साड़ी यूके में। मस्त इमिग्रेशन ऑफिसर थे भाई साहब, पूरा यूट्यूब के बारे में पूछने लग गए। तो 5-6 मिनट ऐसे कॉन्वर्जेशन हुई, उसके बाद स्टैंप मार दिया हमारा एंट्री का और फ्रांस साइड में एग्जिट का। बट यार कार्नेट पे ना तो फ्रांस वालों ने स्टैंप मारा, और यूके की स्टैंप के लिए ये कह रहे हैं कि जब हम कल फोकस्टोन से लंदन जाएंगे ना, उसके बीच में एक इमिग्रेशन कंट्रोल आएगा। ये अलग चीज है भाई, अब वो स्पेशली हम वहाँ पे स्टैंप मरवाने तो पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। चलो जी ये सामने आ गए हैं भाई रास्ता, यहाँ से हमें जाना है, और ये फैक्सी प्लस का है लेफ्ट वाला, और हमें राइट में रखना है अपना। चेक यहाँ पे भैया, व्हीकल चेक करवाना है, सामान ना निकलवा दे सारा बस। हेलो, ये ओके, दिस वन F3 लेन नंबर 4। ये जो 4 नंबर लेन है ये हमारी ट्रेन की है भाई, तो ये जितनी गाड़ी आप देख रहे हो सब हमारी वाली ही ट्रेन में जाएंगे लोग। ये जैसा इन भाई साहब ने कर रखा है ना भाई, साइकिलों का जुगाड़ पीछे, ऐसा ही करना है कुछ। अगर कभी फिर से मैं यूरोप रोड ट्रिप पे आया ना अपनी गाड़ी लेके, तो भाई ये जरूर लगाऊंगा, इसके बिना नहीं। क्योंकि साइकिल होगी ना अपनी इलेक्ट्रिक वाली, तो भैया सिटी में इतना पैसा बचता है, मस्त साइकिल में घूमो, वो लेने की जरूरत ही नहीं, लाइम फाइम जितनी भी ऐप थी। मुझे लग रहा है वो जो टाइम लिखा था ना भाई 7:23 का, वही बोर्डिंग का टाइम है, क्योंकि ट्रेन के डब्बे खुले नहीं है, सारी लाइन से गाड़ियां लगी हुई है और सब लोग बाहर चिल मार रहे हैं, तो हम भी बाहर ही खड़े हो जाते हैं भाई। अभी तो बैठे ही रहना है फिर ट्रेन में 35 मिनट तक, बट वो 35 मिनट की जर्नी कब खत्म हो जाएगी भाई पता नहीं चलेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है, ऊपर से हमारे लिए एकदम बिल्कुल ही न्यू एक्सपीरियंस होगा ना, तो पता नहीं चलना। और देखा जाए तो वैसे भाई ये जो जमीन है ये यूके में पड़ रही है, मतलब हम यूके एंटर कर चुके हैं, बट गूगल मैप पे अभी भी ये फ्रांस ही दिखा रहा है, तो पता नहीं क्या सीन है। कोई नहीं भाई, हर जगह अब यूके का झंडा वंडा लगा हुआ है, तो हम तो यूके ही मान लेंगे, अपनी गाड़ी एंटर कर चुकी है। बताओ यहाँ से शुरू किया था दिल्ली से हमने, और ये पूरा मैप कवर करते हुए भाई फाइनली हम यूके पहुंच चुके हैं। अपना जो ड्रीम है वो तो खैर लंदन पहुंच के ही पूरा होगा, जो अभी है 20-25 दिन। एंड इस लाइन में भाई जितनी भी महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी हो, ये देखो कन्वर्टेबल है, बट लोग मुड़ मुड़ के सिर्फ हमारी गाड़ी को देख रहे हैं, क्योंकि एक तो भाई दिखने में भी तगड़ी है, और साथ में ग्राफिक्स की वजह से अलग ही निखर के आ रही है, देख रहे हो। ओ हो हो भैया मजे से आ गए। तो अभी भाई मैंने इनसे भी कंफर्म किया, ये जीबी का मतलब ग्रेट ब्रिटेन ही है, बट ये पुरानी नंबर प्लेट्स है, अब जो है वो सारी नंबर प्लेट यूके वाली लिखी आ रही है, तो कुछ में आपको जीबी मिलेगा कुछ में यूके मिलेगा, नए वालों में है यूके बेसिकली। अब यार टाइम देखोगे तो फ्रांस के 7 ऑलरेडी बच चुके हैं, बट कोई देख लो लाइन हिली तक नहीं है, वहीं के वहीं खड़े हुए सब। मुझे तो लग रहा है उस हिसाब से तो बहुत लेट हो जाएगा, मतलब अभी यूके में तो 6 बजे है, यहाँ पे 7 बजे है ना, तो इंडिया और यूके के बीच में अब 4.5 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, और यहाँ से और इंडिया के बीच में 3.5 घंटे का था, मतलब यहाँ से क्या अब तो हम यूके में ही है सर। बट अभी घड़ी ने टाइम चेंज नहीं किया अपना, वो मेरे ख्याल से टनल क्रॉस करने के बाद ही चेंज होगा, जब हम सिम एक्टिवेट कर लेंगे ना यूके की। अरे सच भूल गया था, सिम मैंने खरीद तो ली लेकिन इंस्टॉल तो करी नहीं, अब इंस्टॉल करनी पड़ेगी।
जाएगी भाई, तभी तो वहाँ जाके चालू होगी। ये देखो एक्टिवेट ना हो, और ये सिम ना भाई खाली डेटा के साथ आती है, यानी कि इंटरनेट आप यूज कर सकते हो बट कॉलिंग नहीं हो पाएगी इस नंबर से। एंड एक्टिवेट करना भी बहुत ईजी है भाई, लिटरली 5 मिनट में हो जाती है। देखो हो भी गई, ऊपर नेटवर्क आ गए। नहीं सॉरी, ये तो अभी यूरोप वाले के नेटवर्क है, इसके नहीं आए। हो रही है कनेक्टिंग टू नेटवर्क। और मीटर में देख लो भाई, 1 किलोमीटर हम चला चुके हैं यूके की सड़कों पे। टेक्निकली देखा जाए तो यूके की सड़क है, जब इमिग्रेशन आ गया वहाँ पे लिखा भी आ गया वेलकम टू यूके। आपको स्टैम्प तो दिखाने ही भूल गया था, ये तो है भाई फ्रांस से जो एग्जिट हुए हम 10 अगस्त, और ऊपर आप देख सकते हो फ्रांस एफ लिखा हुआ है, और गाड़ी का मतलब है लैंड बॉर्डर क्रॉस किया है। एंड अब दिखाता हूँ भाई आपको यूके का स्टैम्प, ये देखो भाई क्रेजी 10 अगस्त। बट इन्होंने कहीं भी गाड़ी वाड़ी नहीं बना रखी, बट यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ इमिग्रेशन ऑफिसर 6521, शायद से ऑफिसर का नंबर होगा ये, जो उनके बैज होगा या फिर ये पता नहीं क्या लिखा है, COQUELLES। किसी को पता हो इसके बारे में तो बताना जरा। बट एंट्री का स्टैम्प लग गया फाइनली, और हमारा जो यूरोप का वीजा था वो भाई आज तक ही वैलिड था 10 अगस्त तक, मतलब आज रात 12 बजते ही हमारा वीजा एक्सपायर हो जाएगा। और हम तो वैसे भी एग्जिट कर चुके हैं यूरोप से, तो अब एक्सपायर हो ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम ऑफिशियली यूके एंटर कर चुके हैं। और यूके का वीजा अपने पास दिसंबर तक है भाई, तो कोई टेंशन ही नहीं भाई, बस इतना ही पैसा चाहिए। देख रहे हो कि X5 के ऊपर ये देखो टेंट लगा रखा है या स्टोरेज बॉक्स लगा रखा है, और ये तो नॉर्मल है लोगों के लिए यहाँ पे। बाकी ये यूके का आप देखो साइन, तो ये यूके की नंबर प्लेट है और येलो कलर की है, ये क्या लग रही है ना X5 सेम कलर है मेरी X7 वाला, मतलब अब नहीं है मेरे पास ऑब्वियसली, वो X7 थी पहले एक जमाने में, बट कोई नहीं भाई उसको त्याग के हमने और बहुत बड़े बड़े सपने पूरे करे, जैसे घर लिया अपना खुद का। आज फाइनली यूके एंटर कर चुके हैं इंडिया से गाड़ी चला के, तो चलता है कोई नहीं, भुला देंगे उस गम को, है ना। साइड वाली लेन में भी भाई गाड़ी आ गई है, बट इनकी भी लेन चल नहीं रही है, 10 मिनट हो गए इनको भी, तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। मैं आपको हाथ से बता रहा था कब कब क्या क्या हुए थे, पता चले आज भी कुछ सीन ना हो रखा, वरना इतना टाइम लगना तो नहीं चाहिए किसी भी हालत में। और उधर देखोगे ना सामने वॉशरूम भी बने हुए भाई यहीं पे। चलो जी चलो, इंतजार की घड़ी हुई खत्म, 7:38 में जो है इन्होंने भाई जाने दिया। ये देख लो भाई लेफ्ट में जो आप ये देख रहे हो ना, अजीब सा ग्रे कलर के डब्बे से है, यही एक्चुअल में ट्रेन है जिसमें गाड़ियां लोड होती है। देखने पे पता ही नहीं चल रहा भाई कि ट्रेन है, ऐसा लग रहा है लोहे का कोई डब्बा सा बना रखा है। बट यहाँ पे देखो एक एक करके घुस रही है वो सामने, हमारी लेफ्ट वाली नहीं है, हमारी राइट वाली ट्रेन है ये वाली, और वो जा रही है गाड़ियां अंदर एक एक करके, ऐसे ही हमारी भी जाएगी भाई अभी, मज़ेदार। लेफ्ट वाली ट्रेन तो भाई रवाना हो भी गई है, इसमें सारी गाड़ियां वाड़ियाँ जो लोड होनी थी लोड हो चुकी है। एंड पीछे आप देख सकते हो इंजन कुछ इस तरह से लगता है भाई ट्रेन का, ओए होए होए, पूरा ऐसा नहीं लग रहा जैसे बुलेट ट्रेन हो कोई। बस पहुंच ही गए भाई, 2-3 गाड़ियां और उसके बाद हमारा एंट्री हो जाएगी। और काफ़ी बड़ा डब्बा है यार, ऐसे मतलब बाहर से पता नहीं चलता बट एक्चुअल में काफ़ी बड़ा है। देख लो वो एम्बुलेंस है या जो भी चीज़ है वो तक घुस गई। चलो जी चलो, एंट्री हो रही है हमारी, बल्ले बल्ले बल्ले, लेट्स गो। ओए होए होए भाई साहब घुस गए। चलो जी, ये है जी वो ट्रेन जिसके अंदर हमारी गाड़ी लोड हुई है। मुझे लग रहा था भाई ट्रेन के अंदर अंधेरा सा हो रहा होगा, बट प्रॉपर भाई लाइटिंग वाइटिंग इन्होंने कर रखी है, तो ऐसा ना वो अंधेरे वाली फील नहीं होगी। और जितने भी डब्बे हैं ना भाई, ये सब अंदर से खुले हुए हैं, तो हम बस ट्रेवल करते जा रहे हैं अलग अलग डब्बों में, तो अंदर से ऐसा नहीं जैसे नॉर्मल ट्रेन में की जगह नहीं होती या फिर खाली बंदा ही निकल पाता, यहाँ पे प्रॉपर जगह है। चलो जी चलो, गेट बंद कर दिया है गाड़ी में, फ्रंट साइड में बंद होने के बाद कुछ इस तरह से लगता है। अच्छा 3 है भाई हमारे डब्बे में, एक ही आगे वाली, एक हमारी और एक हमारे ये पीछे है, उससे पीछे तो आई गेस है भाई है, 4 गाड़ियां होगी मतलब एक डब्बे में। और इन्होंने कह दिया भाई इंजन ऑफ करने के लिए, तो इंजन हम ऑन नहीं कर सकते हैं। हमें लगा था भाई मस्त एसी की हवा खाते हुए जाएंगे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं, तो मेरे ख्याल से खिड़की खोल लेते हैं। और ट्रेन में एसी होगा, ये वेंट लगे तो हुए, अभी चलाएंगे या नहीं चलाएंगे इसका नहीं कह सकते। ये भाई साहब तो अपनी गाड़ी से बाहर निकल गए, यानी कि गाड़ी से निकल ना अलाउड है भाई, तो हम भी निकल जाते हैं। और लास्ट वाली गाड़ी देखो डिफेंडर है, एंड कुछ इस तरह का भाई कंपार्टमेंट है ये पूरा, ऊपर अच्छे से लाइटें वाइटें लगी हुई है, एसी वेंट है मेरे हिसाब से तो ये। और एक डब्बे में जैसे कि बताया 1, 2, 3, 4 गाड़ी आ गई है टोटल, और यहाँ पे कुछ लिखा भी आ रहा है, क्या है ये पता नहीं इन्हीं की लैंग्वेज में है। बाकी इधर एक ये छोटी सी खिड़की भी है भाई, बाहर का दिख रहा है बट बहुत ज्यादा गंदी हो रही है खिड़की, शायद ये इमरजेंसी डोर होगा अगर कुछ भी होता है ट्रेन से भागने के लिए यहाँ पे। बट फाइनली भाई अपनी गाड़ी लोड हो चुकी है फ्रांस से लंदन जाने के लिए ट्रेन में, मतलब अलग ही एक्सपीरियंस है भाई, यूनिक, देख रहे हो, होय होय गजब भाई, नेक्स्ट लेवल। हुआ फेरी में नहीं गए, इसी में गए भाई, एक्सपीरियंस करनी चाहिए ऐसी चीजें, है ना।
लो भाई, अंडरग्राउंड टनल में जा भी चुकी है ट्रेन, बताओ। बाहर जो है वो पूरा अंधेरा हो चुका है इस टाइम पे, गजब। एंड सब लोग जो है अपने वापस गाड़ी में बैठ गए भाई, यहाँ पे खाली हो गई है पूरी ट्रेन। पर अच्छे बंदे है ये, कह रहे थे, कह रहे लाओ मैं फोटो लूँ तुम्हारी। मैंने कोई नहीं, हम दो लोग हैं तो हम ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेन देखो हिल कितनी रही है, अगर आपको पता चल रहा हो, साइकिल ऐसे ऐसे हो रही है और हम भी ऐसे ऐसे हो रहे हैं, बट इतने झटके नहीं आ रहे कि भाई बिल्कुल ही गिर जाएंगे, आराम से चल फिर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट भाई फाइनली समुद्र के अंदर है हम इस टाइम पे, सोचो, मतलब इमेजिन कर पा रहे हो भाई आपकी, समुद्र के अंदर एक टनल बनी हुई है जिसके अंदर ये ट्रेन चल रही है और उस ट्रेन के अंदर हमारी गाड़ी और हम बैठे हुए, बताओ, पानी के अंदर जा रहे हैं। बताओ ये टनल है बाहर, आपको दिख तो रहा नहीं होगा, खैर पूरा अंधेरा है, बट स्टिल भाई अनबिलीवेबल सा लग रहा है अभी तक। ट्रेन जो है एग्जैक्ट 7:50 पे चली थी, अब लेट्स सी भाई कितने बजे रुकती है, या फिर मतलब ये दिन कितने बजे होता है यहाँ से, क्योंकि जब टनल के अंदर से बाहर जाएगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे अपने आप रोशनी हो जानी है। और भाई साहब पता नहीं कैसे समुद्र के अंदर भी नेटवर्क आ रहे हैं यूरोप वाली सिम में, देखता हूँ नेट चल रहा है कि नहीं। भाई साहब अगर नेट चल गया ये तो क्रेजी वाली चीज हो जाएगी कुछ ज्यादा ही। हाँ भाई नेट चल गया, फेसबुक खुल गया। ये क्या भाई साहब समुद्र के अंदर कैसे सिग्नल आ रहे, यही नहीं समझ आ रहा, सिग्नल तो जोड़ो, नेट चल रहा है भाई। भाई साहब स्पीड भी अच्छी खासी आ रही है, बताओ 30 Mbps। देखो इनके पास वाईफाई भी है क्या यहाँ पे, शायद से वाईफाई भी होगा, नहीं वाईफाई तो नहीं है यहाँ, बट ठीक है अपने नेटवर्क आ रहे हैं। ट्रेन थोड़ी सी स्लो हो गई है भाई, मेरे को लग रहा है कहीं पहुंचने तो नहीं वाले, हालांकि बाहर तो अंधेरा ही हो रहा है अभी भी, मतलब हम पानी के अंदर ही है। कसम से भाई यकीन सा नहीं हो रहा, पानी के अंदर ये ट्रेन चल रही है और ट्रेन में अपनी गाड़ी खड़ी हुई है। और ये देखो भाई गूगल मैप के अकॉर्डिंग हम यहाँ से चले थे ना, तो अभी यहाँ कहीं पे है हम, ये पूरा का पूरा इंग्लिश चैनल है और ये आ जाएगा भाई फोल्कस्टोन, यानी कि यूके का एरिया पूरा का पूरा। बताओ ये समुद्र के अंदर है इस टाइम पे हम, वो भी अपनी गाड़ी को लेके, यकीन कर पा रहे हो आप भाई? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मतलब कितनी बार ही बोल दिया मैंने कि अनबिलीवेबल सा लग रहा है ना, सही में अनबिलीवेबल सा है भाई, यकीन हो ही नहीं रहा मुझे। वैसे यार हमारे लिए यूनिक एक्सपीरियंस है, लेकिन जो लोग फ्रांस से यूके, यूके से फ्रांस आते जाते रहते जैसे ये बाकी गाड़ी वाले है, तो इनके लिए कितना नॉर्मल होगा ना भाई ये सब कुछ, यहाँ रोज का ही तो है, रोज का नहीं तो हफ्ते का तो एक है, बट हमारे लिए भाई साहब कितनी बड़ी चीज है कि ऐसे, बताओ हम देश कवर कर रहे हैं पूरा, वो भी पानी के अंदर से गाड़ी को लेके ट्रेन में, कितनी चीजें यूनिक हो गई एक तरह से। 8:09 हो गए एंड ट्रेन भी थोड़ी थोड़ी स्लो हो गई है, तो मेरे को लग रहा है भाई पहुंचने वाले हैं। ट्रेन चले 19 मिनट हो चुके हैं, वैसे तो 35 मिनट की बोलते हैं ट्रेन राइड है, अब एग्जैक्ट कितने की है वो मैं बताऊंगा आपको। बीच बीच में भाई धीरे होती जा रही है ट्रेन, बीच बीच में तेज हो जाती है, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक का काफी अच्छा है, मतलब कोई डरने की बात नहीं कि आप समुद्र के नीचे हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रॉपर है, हालांकि एसी नहीं चला रखा तो गर्मी भी इतनी कुछ खास लग नहीं रही है, टेम्परेचर मेंटेन्ड है, बट हाँ कान बंद हो रहे हैं बार बार, जैसे लिफ्ट में या फ्लाइट में होते हैं ना बंद, अब पता नहीं ये समुद्र के अंदर गई है इसलिए कान बंद हुए हैं या स्पीड की वजह से कान बंद हो रहे हैं, ये मैं कह नहीं सकता भाई। यहाँ पे देखो भाई वो फायर एक्सटिंग्यूशर भी लगा रखे है और पूरा इवैक्यूएशन का प्लान भी है, यानी कि इन केस फायर लगती है, मतलब कुछ भी होता है तो भागने का पूरा रास्ता वास्ता बता रखा है। एंड ये एक्चुअल में भाई डबल डेकर ट्रेन है, हम इसके नीचे वाले डेक में है और इसी के ऊपर एक और डेक है भाई, मतलब इसके ऊपर पता नहीं कहाँ पे होगी भाई डेक, वो इसमें लिखा तो है, मतलब बना तो हुआ है कि दो है डेक, बाकी पता नहीं यार मेरे को, तो ऊपर हो भी सकता है। और मैंने एक दो वीडियो देखी थी उसमें ये भी दिखाया था कि वॉशरूम भी बना हुआ है, बट वॉशरूम में जाएंगे कैसे, रास्ते तो बंद पड़े हैं दोनों तरफ। ओ लो भाई लो ऊपर आ गए हम समुद्र से, लेट्स गो भाई, चलो जी चलो। 7:20 हो गए, 6:50 पे चली थी तो 30 मिनट, अब 5 मिनट और लगा लो भाई वहाँ पे स्टेशन तक पहुँचने में, तो 35 मिनट एग्जैक्ट है भाई, बस बाहर का टाइम वेस्ट हुआ वो अलग बात है। यार खिड़की बड़ी गंदी हो रही है देखना, ठीक है बट ठीक है भाई, स्लो हो गई है ट्रेन और अनाउंसमेंट भी हो गई है, यात्रीगण कृपया ध्यान दे, नहीं हिंदी में नहीं बोलेंगे वो, फ्रेंच और इंग्लिश चलती है यहाँ। लेडीज एंड जेंटलमैन शॉर्टली, ओके ओके आ गए भाई, गाड़ी में जाओ भाई बोल दिया उन्होंने, चलो जी चलो गाड़ी में बैठ जाते हैं, वो कह रहे हैं फर्स्ट गियर पे अपना लगा के गाड़ी आप निकालना शुरू करो जैसे ये दरवाजे खुल जाएंगे। अभी भाई सबसे पहले बाहर निकलते ही इंश्योरेंस लेना है यूके का, क्योंकि हमारे पास इंश्योरेंस नहीं है और इंश्योरेंस के बिना ड्राइव कर नहीं सकते, होपफुली बॉर्डर पे ही मिल जाए 1 महीने का तो अच्छा रहेगा, हमारी टेंशन खत्म होगी फिर। एंड भाई यूके वाली सिम के भी नेटवर्क आ गए हैं, बट दोनों के ही एक एक डंडा ही आ रहा है, तो मुझे लग रहा है ये जो वहां वाली सिम है ये तो चली जाएगी खैर थोड़ी देर में अभी, और यूके वाली के फुल हो जाएंगे। गाड़ी में बैठ के गर्मी लग रही है भाई, क्योंकि इंजन स्टार्ट कर नहीं सकते, एसी भी नहीं चल सकता, बाहर थोड़ा सही लग रहा है गाड़ी से उतर के, बट अब तो खैर भाई पहुंच ही गए तो गाड़ी में ही बैठना है, सनरूफ खोल लेते हैं थोड़ी सी हवा आएगी। लो जी लो वापस से नो सर्विस हो गए, इतनी अजीब बात है ना भाई, समुद्र के अंदर बताओ फुल डंडे आ रहे थे, इतनी तेज स्पीड आ रही थी, और जब जमीन पे आ चुके हैं तो नेटवर्क गायब कर दिया। इधर वाली खिड़की से देखो भाई पटरियां दिख रही है ट्रेन की बाहर की तरफ में, एंड जो ट्रेन का स्टाफ है वो भी भाई अभी अभी यहाँ से निकले है, तो शायद से अब वो दरवाजे खोलना शुरू करेंगे आगे से पहले, मतलब ऑब्वियसली फ्रंट वालों का पहले खोलेंगे ताकि वो गाड़ियां निकल सके, फिर हमारा वाला खोलेंगे, हम निकलेंगे, फिर हमसे पीछे वाला खोलेंगे तो वो निकलेंगे। ये सही है भाई, सनरूफ का फायदा उठाओ, मस्त टनल के अंदर, ठंडक हो रही है भाई, चल रहा है एसी, हाँ अब फील हो रहा है एसी चल रहा है, गाड़ी के अंदर तो गमस हो रही है पूरी। एंड काफी सारे वेंट लगे हुए, 1, 2, 3, 4 एंड ऐसी मेरे पीछे भी काफी सारे होंगे, तो प्रॉपर ठंडक है, चील्ड नहीं कर रखा बिल्कुल,
बट अच्छा है। चलो जी चलो, फाइनली ट्रेन जो है वो स्टेशन पे पहुंच गई है या प्लेटफॉर्म पे पहुंच गई है एंड बिल्कुल ही रुकने ही वाली है बस। फाइनली भाई अब हम कह सकते हैं कि यूके की जमीन पे आ चुके हैं, हालांकि थी वो भी यूके की नाम की जो लिखा हुआ था, बट मैप में देखोगे आप तो ये जमीन यूके की एक्चुअल में। ओ भाई साहब, लाइटें वाइटें देख रहे हो, टिमटिम आ रही है, मतलब कि गेट खोलने वाले हैं अब ये शायद। हाँ वो देखो भाई, स्टाफ आ गए, अब ये आगे वाला गेट खोलेंगे, पहले तो वही शटर खुलेगा। अरे खोलो भाई। चलो जी चलो, चढ़ गए गाड़ी में, लेट्स गो भाई। दरवाजे खुल गए हैं यूके में अपनी गाड़ी को ले जाने के लिए। फिर अंदर आते भाई सब गर्मी सी लगने लग गई इतनी, और इन्होंने भाई दरवाजे तो पूरे खोल दिए लेकिन इंजन स्टार्ट करने के लिए नहीं कहा। तो अभी गाड़ी का इंजन बंद ही पड़ा है भाई, जब तक आगे वाले भाई सब नहीं जाएंगे तब तक हम भी नहीं जा सकते। बस अब तो कुछ पल और भाई और फाइनली हम यूके पहुंच गए। चलो जी चलो, लेट्स गो। सब ने इंजन स्टार्ट कर लिए अपने गाड़ी के, निकलने के लिए रेडी हम भी। चलो जी भाई चलो, वेलकम है आपका यूके की जमीन पे। अब ये एक पुल सा आया भाई, इसके ऊपर चढ़ के बाहर की साइड निकल रहे हैं। जैसे वहाँ पे हम पुल से नीचे उतर के स्टेशन पे आए थे, वैसे यहाँ से स्टेशन से जाने के लिए पुल पे चढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होना है वो तो नहीं पता, चल के देखते हैं। होपफुली ज़्यादा कुछ होगा नहीं क्योंकि वहीं पे हो गया भाई जो होना था। अब कार्नेट पे स्टैंप का अगर कोई ऑफिसर दिखेंगे तो पूछ लेंगे, नहीं दिखेंगे तो भैया कोई नहीं, अपना इंश्योरेंस का पता करना है मेन तो। चलो भाई, टर्मिनल से एग्जिट हो गई है, कोई भी कुछ भी काउंटर नहीं आया, ना इंश्योरेंस का आया। अब समझ नहीं आ रहा इंश्योरेंस का करे क्या, तो सिटी पहुंचते हैं वहां पे जुगाड़ लगाते हैं बिना इंश्योरेंस के, तो वरना बहुत लफड़े है। और एक चीज और भाई, वापिस से हम अपनी इंडिया वाली ही लेन में आ गए हैं, मतलब हम लेफ्ट साइड में चला रहे हैं अभी और राइट साइड में उधर वाले जा रहे हैं। और अभी जिस लेन में मैं चल रहा हूं ना भाई, ये स्लो लेन है, जबकि यूरोप में ये फास्ट लेन हुआ करती थी हमारी। तो अब स्लो स्लो लेन में चलेंगे, इसी लेन में हमें ट्रक मिलेंगे, और ओवरटेक अगर मुझे ये सामने वाली गाड़ी को करना है तो राइट साइड से करना पड़ेगा। देख रहे हो भैया, पूरा इंडिया वापस आ चुका है मस्त एकदम। और अब से भाई आने वाले 20-25 दिन जितने भी आप रोड पे साइन बोर्ड देखोगे ना स्पीड के, वो सब के सब माइल्स में होंगे, ना कि के किलोमीटर में। तो अभी जैसे 50 की स्पीड लिमिट लिखी हुई थी, तो उसका मतलब किलोमीटर में हो गया वो 80। तो 80 से ऊपर हम चला नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन चल रही है ना इसलिए। एंड लंडन यहाँ फोकस्टोन से भाई अराउंड 60 miles है, तो भूल चूक माफ हो तो अराउंड ऐसे राउंड ऑफ में लगा लेना 100 kilometers हो गया भाई। तो गूगल मैप 1.5 घंटा दिखा रहा है, सीधा खींच देते हैं भाई अभी क्या टाइम हुआ है, 7:50 हुआ है, तो मैक्स टू मैक्स 9:30 से पहले पहले हम पहुंच जाएंगे। बट सिटी सेंटर में नहीं जाएंगे लंदन के, क्योंकि हमें लंदन घूमना तो है नहीं अभी, वो हमने एंड के लिए बचाए रखा है 3-4 दिन। तो अभी हम सिर्फ बार बार होटल ले लेंगे और कल से फिर सुबह जर्नी शुरू करेंगे अपनी पूरे यूके की रोड ट्रिप की। अब सिटी में जाएंगे टाइम वेस्ट होगा, होटल महंगे मिलेंगे, पार्किंग नहीं मिलेगी, मिलेगी तो बहुत महंगी मिलेगी। तो सबसे बेस्ट है सिटी के बाहर लेते हैं होटल, रात को सोना ही है, और सुबह फिर कट लेंगे अपनी नई डेस्टिनेशन के लिए जो शायद से ऑक्सफोर्ड होने वाली है। बाकी आइटनरी एक बार चलते हैं, होटल फाइनल करता हूं कि 24-25 दिन किन किन सिटीज में हमें जाना है और कितनी रातों के लिए जाना है, वो इंपॉर्टेंट है सबसे। चलो भाई, सिटी में एंटर कर चुके हैं, ज़्यादा अंदर नहीं जाना पड़ा, हाईवे पे ही हमने होटल बुक कर लिया ऑलरेडी, क्योंकि रात रात को ही सोना है भाई, कल तो निकल ही जाना है, इसलिए बाहर बाहर ले लिया, थोड़ा सस्ता भी मिल गया। लो जी लो, पहुंच गए हैं लंदन से कुछ 30-40 किलोमीटर पहले एक ये सिटी पड़ी है डार्टफोर्ड करके, एंड यहाँ पे ये होटल है, कैंप साइट डार्टफोर्ड करके ही नाम है इसका। कुछ 7600 rupees में रूम मिला है, वो ऊपर वाला रूम है, पार्किंग इनकी अपनी है, यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, फ्री पार्किंग है, तो ठीक है भाई सही है। सामान वगैरह निकालते हैं और चलते हैं अपने रूम में ऊपर। मतलब देख रहे हो भाई, अपनी HR26 गाड़ी लंदन की सड़कों पर आ चुकी है भाई, कहाँ से कहाँ पहुँच गए भाई साहब। मतलब फ्लाइट से भी आप आओगे ना दिल्ली से तो 9 घंटे लग जाते
जाते हैं एरोप्लेन से, बताओ। पर यहाँ हम गाड़ी चला के आ गए इंडिया से, यहाँ पे क्रेजी भाई क्रेजी, मेरा तो दिमाग घूम रहा है सोच सोच के। लगेज निकाल लेता हूँ भाई। कैंप साइट नहीं भाई, कैंपा नाइल करके है ये रेस्टोरेंट और होटल। अभी भाई मैं रूम में गया और गर्मी लग रही थी, यहाँ पे बाहर इतनी ठंड हो रही है, मेरे ख्याल से 22-23 डिग्री टेम्परेचर हो रहा होगा, बट कमरे में गर्मी लग रही है और पंखा और एसी है नहीं। तो मैंने कहा ये पंखा लिया किस लिए भाई, इसलिए तो लिया कि काम आए गर्मी में। अब इसको चलाऊंगा और मस्त रात को नींद लूंगा, रूम टूर आपको सुबह दूंगा उठ के, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो ये देख लो भाई कुछ ऐसा रूम है अपना, काफी बड़ा साइज है, दो सिंगल बेड लगे हुए और एक बीच में डबल बेड, तो ये फैमिली रूम कहते हैं। बट अगेन एसी वेसी है नहीं यहाँ पे। रात को मैंने देखा, रात को आपने देखा मैं पंखा लेकर आया था यहाँ पे, लगा लिया था भाई, तो जब जाके ढंग से नींद आई। बट प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे सॉकेट ही नहीं थे कहीं पे भी बेड के पास, सिर्फ इधर की साइड में सॉकेट थे, बताओ। तो सारा चार्जिंग का भी सामान यहीं फैला रखा है। अभी चलो, अभी हमें चेकआउट करना है और जा रहे हैं यहाँ से ऑक्सफोर्ड के लिए, जो आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे। बाकी इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। वैसे इस रूम का रेंट हमने 7,500 के आसपास दिया, ठीक है जी। चलो टाटा बाय बाय।